अस्सलाम वालेकुम, मिनी जू डॉट पी के प्लेटफॉर्म से एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक हो चुकी है एल्सा की। एल्सा को मैं हर वक्त इस केज में ही रखता, खुला ही रखता हूँ। अभी जस्ट नाउ मैंने इसका खाना रेडी करना था, इसलिए इसको इस केज में रखा। माशाल्लाह से ये वाला पोर्शन तो हमारा ऑलमोस्ट साफ़ है। और आज हमारा प्रोजेक्ट है नीचे वाला जो पोर्शन है उसको अच्छी तरह से हमने साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैं एल्सा का खाना रेडी करके उसको दे दूँ ताकि वो खाना शुरू हो जाए, तो फिर अपना काम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एल्सा को खाना डाल चुके हैं, अब थोड़ी सी सफाई का प्रोसेस कहते हैं, फिर एल्सा के भी बॉल वाली एक्सरसाइज भी करवानी है। एल्सा एल्सा माशाल्लाह से एल्सा की जो कलर्स हैं बहुत ही डार्क हैं। कोट भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका बड़ा अच्छा हो रहा है, जैसे जैसे विंटर आ रहा है। देखते हैं इस विंटर में इसका जो कोट है वो कहाँ तक जाता है। एल्सा को भी हम एक्सरसाइज करवाएंगे। माशाल्लाह से ये सारा एरिया साफ़ हो गया है, ऊपर वाला भी साफ़ हो गया है। एल्सा एक्चुअली अब मेरे पास टाइम होता है शॉर्ट, जिस वजह से मैं एक तो प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन अब इंशाल्लाह व्लॉग्स तो मेरे प्रॉपर आएंगे, लेकिन ज़्यादा लंबे व्लॉग्स नहीं होंगे, बस शॉर्ट से व्लॉग्स ही होंगे। इस टॉय ने जी कमाल कर दिया, यकीन मानो। एल्सा एल्सा गुड। एल्सा एल्सा की फर्स्ट शीट तो मुझे लगता है कुछ महीने तक आ ही जाएगी, क्योंकि तकरीबन 8 माह और कुछ दिन की इस वक्त यह हो चुकी है, तो 9 मंथ में ऑलमोस्ट फर्स्ट शीट आती है। और फर्स्ट शीट तो हम इसकी ज़ाया ही करेंगे, और इस हो सकता है जो उससे नेक्स्ट वाली है वो भी उसमें भी मैं मीटिंग ना करवाऊं, क्योंकि दिल यही है कि इसका पेडिग्री लीटर ही आए। रात को मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट देखी है सुभानी साहब की कि कैरेट और एस्ट्रा जो है उनकी मीटिंग कंफर्म हो गई है और उनका लीटर आने वाला है। वो सुन के एक दफ़ा मुझे जोश तो बढ़ा है, क्योंकि दोनों ही एनिमल्स जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि ब्लैक का ही दिल था नेक्स्ट में लूँ तो, लेकिन फिर खैर रुक गया हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैरट्स रैबिट्स सब कुछ दे दिया, क्योंकि अब ये एक है तो इस पर मैं अच्छी तरह से कंसंट्रेशन कर सकता हूँ, इसको सही तरह से टाइम दे सकता हूँ। तो दो हो जाए ना तो वो फिर टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए, इस वजह से फिर मैं रुक गया हूँ, स्टॉप हो गया हूँ। वरना सही पूछे ना तो दिल बहुत है कि उसमें से जो पिक ऑफ द लीटर मेल हो ना, अगर मेल हो पिक ऑफ द लीटर तो वो मैं लूँ। तो लेकिन फिलहाल प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया है। एल्सा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एल्सा जो है अब
इस एज में आपको कैसी लग रही है, क्योंकि हर एज में डॉग का एक अपना ही हुसन होता है। अब इस वक्त ये एक पपी है, लेकिन है माशाल्लाह इसका जो साइज़ है ना वो बिग है। अब मैंने देखना ये है, मैंने अब लिया था पिकअप का लीटर, क्योंकि इसके जो बाकी भाई और बहन थे वो थे 2.5 लाख के, ये मैंने लिया 3.5 लाख की। मैंने देखना ये है कि क्या आया कि ये माँ से वाकई पिकअप द लीटर जो होती है पपी वो एक्स्ट्रा साइज़ का बनता है हाइट में, या मदर फादर पे ही उसकी हाइट जाती है। अब देखना, मैंने ये चीज़ है तकरीबन 2 से 2.5 साल तक तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। तो इसकी माँ की हाइट का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि इंचज़ में या सेंटीमीटर्स में उसकी हाइट है कितनी, तो इस वजह से शायद मुझसे एग्जैक्ट आइडिया तो ना हो सके, लेकिन खैर मैंने फिज़िकली देखी तो है। अच्छा, मुझे ऐसे वैसे लगता है कि इस वक्त ये अपनी मदर की हाइट तक ऑलमोस्ट पहुंच गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो कमेंट्स में मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि किस एज तक डॉग की जो हाइट है वो बढ़ती रहती है। अगर किसी को सही इन्फॉर्मेशन हो तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। एल्सा, चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग को देखने का। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।